और बेमेतरा जिले में नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े हैं, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। बता दें कि नगरपालिका परिषद चुनाव में कांग्रेस के 8 पार्षद और बीजेपी के 12 पार्षद जीतकर आए थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेसी पार्षद शकुंतला मंगत साहू अध्यक्ष निर्वाचित हुई है, जिसके बाद जिला भाजपा की ओर से 6 पार्षदों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा पार्षदों के नगर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि गिर गया है। जिस तरह से भाजपा उसको कुछ निर्दलीय पार्षदों द्वारा बेमेतर नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके खिलाफ बहुत पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। और कांग्रेस की बहुमत है और कांग्रेस की ये जीत है, ये भाजपा की बुरी तरीके हार है। बार बार इनके द्वारा जो अनैतिक कार्य किया जाता है, आज ध्वस्त हो गया। देखिए, कुछ भाजपा के पार्षद और कुछ निर्दलीय पार्षदों द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है और अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है, और यह पूरी तरह से कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस के विचारों की जीत है। माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, उनके प्रति जो आस्था है, वो इसको दर्शाता है।